नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, फाइनली बिहार सरकार ने जो है 1 से लेकर 12th क्लास के सभी छात्र छात्राओं को किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना एवं छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि का लिस्ट जो है यहां पर जारी कर दिया है। अभी अभी जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर लिस्ट को जारी कर दिया है किन किन छात्र छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति, पोशाक, किशोरी स्वास्थ्य योजना एवं साइकिल का पैसा जो है किन किन छात्र छात्राओं को मिलेंगे। अगर आप लोग का इस लिस्ट में नाम है तो आपको जो है ये छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल एवं किशोरी स्वास्थ्य योजना का पैसा जो है आप लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने रिजेक्ट लिस्ट एवं एक्सेप्ट लिस्ट दोनों जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। तो आप लोग को कहाँ से और कैसे जो है आप लोग को रिजेक्ट लिस्ट एवं एक्सेप्ट लिस्ट में नाम देखना है। अगर आपका नाम जो है रिजेक्ट लिस्ट में है तो आपको जो है कैसे सुधार करना है, किस कारण से जो है आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, कहाँ से और कैसे जो है आप लोग का नाम सुधार करना है ताकि जो है आप लोग का अकाउंट में जो है छात्रवृत्ति एवं पोशाक योजना का पैसा जो है आ सके। तो सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल में देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके। तो सबसे पहले अपना फोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च टाइप में लिखना है resultbihar.com, लिख कर जो है आप लोग को सर्च कर देना है। जैसे आप resultbihar.com लिख कर सर्च कीजिएगा, आपके पास जो है इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग को 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पर, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग डेस्कटॉप मोड में जो है टिक कर लीजिएगा। जैसे आप डेस्कटॉप साइट को टिक कीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है। जैसे यहाँ पर स्क्रॉल ऊपर की तरफ कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे स्कॉलरशिप लिस्ट 2020 का लास्ट 1 से लेकर 12 तक का रिजेक्ट लिस्ट। यहाँ पर सारा का सारा लिस्ट जो है यहीं पर जो है जारी किया गया। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पास जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बताया गया है स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लास 1 से 12 क्लास 1 से लेकर यहाँ पर 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर डिटेल एंट्री जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर 3 लिंक जो है यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है। आप किसी एक लिंक पर जो है क्लिक करके जो है अपना डिटेल चेक कर सकते हैं, आपका रिजेक्ट लिस्ट एवं एक्सेप्ट लिस्ट में जो है नाम देख सकते हैं। तो आप किसी लिंक पर जो है एक पर क्लिक करके जो है आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपके फ़ोन में इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है आप लोग को ये 3 पट्टी दिख रहा है, इस पर जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं रिजेक्ट लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सेप्ट लिस्ट में दिखाने वाला हूँ आपका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो है रिपोर्ट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट रिजेक्ट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिएगा, मैं कोई सा एक डिस्ट्रिक्ट को मैं सेलेक्ट करके जो है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका ब्लॉक यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा ब्लॉक और सर्च पर, जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा सर्च पर तो आपके पास जो है आपके ब्लॉक के अंदर जितने स्कूल होंगे यहाँ पर सारा का सारा लिस्ट जो है यहाँ पर आपका स्कूल का जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना स्कूल जो है यहाँ पर खोज लेना है। जैसे यहाँ फिर लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर स्कूल कॉलेज का लिस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है सारा का सारा स्कूल का। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है कितने टोटल रिजेक्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में यहाँ पर पी एस अलूना चेक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 26 छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। तो जैसे यहाँ पर 26 पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है जितने छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर रिजेक्ट होंगे यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का जो है यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सीरियल नंबर देखने को मिल जाएंगे, बेनिफिशियरी आईडी जो है इतना देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद क्लास सेक्शन आपका सेक्शन क्या है, कौन सा क्लास का है, उसके बाद जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम जो है देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम क्या है, उसके बाद जो है यहाँ पर फादर्स नेम देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर मदर्स नेम देखने को मिल जाएंगे, IFSC कोड जो है देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर का लास्ट का जो है यहाँ पर 5 डिजिट जो है यहाँ पर शो ही करेगा, यहाँ पर लास्ट का जो है 5 डिजिट अंक शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है रिजेक्ट रीजन, यहाँ पर किस रीजन से जो है यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्टेड बाई बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इन इनवैलिड, यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर आपका गलत है, इसलिए जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रीजन क्या क्या, यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट नंबर जो है इन सभी छात्र छात्राओं का जो है गलत दिया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर 26 छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर लिस्ट जो है यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर अपना नाम खोज सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, तो आपको सुधार कहाँ से कर
करना है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आपको जो है क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना है और अपना स्कूल में लेकर जाना है, और जो भी आपके स्कूल का हेडमास्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वहाँ पर जो है इस लिस्ट को बताना होगा। आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर गलत होने के कारण जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको जो है स्कूल से इसका सुधार कर दिया जाएगा। अगर आप लोग सुधार नहीं करवाते, यहाँ पर 15 तारीख के लिए जो है यहाँ पर लास्ट डेट है, ये हो सकता है यहाँ पर डेट को बढ़ाया जाएगा, 15 तारीख के लिए जो है आप लोग सुधार करवा लीजिए, उसके बाद जो है आपका अकाउंट में जो है सारा योजना का पैसा जो है आपका अकाउंट में आएगा। अब आप लोग का एक शिफ्ट लिस्ट में नाम कैसे देखना है, तो यहाँ पर फिर से जो है थ्री पट्टी पर क्लिक कर देना है। जैसे थ्री पट्टी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर पेमेंट स्टेटस दिख रहा है, पेमेंट स्टेटस पर जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट को जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा आपको, तो यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का किस स्कूल में जो है आप लोग का नाम है, यहाँ पर अपना स्कूल जो है सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारा लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएंगे, आपके ब्लॉक एरिया के अंदर जितने यहाँ पर स्कूल होंगे, स्कूल कॉलेज होंगे, यहाँ पर जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है अपना स्कूल जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग को सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्कूल जो है मिल चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास, आपका क्लास कौन सा है, तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट क्लास में जो है यहाँ पर अपना क्लास जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सेलेक्ट सेक्शन, आपका किस सेक्शन में नाम है, यहाँ पर अपना सेक्शन जो है यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। जो भी आपका ए बी सी डी जो भी आपका सेक्शन होंगे यहाँ पर अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर जैसे इंटर अकाउंट नंबर में जो है आप लोग को अपना अकाउंट नंबर जो है इसमें फिलअप करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर जो भी आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में दिए होंगे वही अकाउंट नंबर जो है इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर शो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है नेक्स्ट पे जो है यहाँ सारा बायोडाटा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर एक छात्र का जो है यहाँ पर सारा बायोडाटा जो है यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे पहले जो यहाँ पर एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आप लोग का। उसके बाद जो यहाँ पर किस डेट का जो है आप लोग का एडमिशन हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास सेक्शन जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, फादर्स नेम जो यहाँ पर आप लोग को नाम और आपका फादर्स का नाम देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आईएफएससी कोड और एक अकाउंट नंबर जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कैटेगरी जो है कास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर अटेंडेंस जो है यहाँ पर 75% जो है यहाँ पर सही है, यहाँ पर यस देख सकते हैं 75% हाजिरी जो है यहाँ पर सही है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को कौन कौन से योजना का लाभ जो है मिला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री साइकिल योजना, यहाँ पर पेमेंट जो है डाउन हो गया है। उसके बाद स्कॉलरशिप एससी एसटी, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डाउन हो गया है। किशोरी स्वास्थ्य योजना, यहाँ पर पेमेंट जो है डाउन हो गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक के क्लास के सभी छात्र छात्राओं को जो है मिलता है, ये जो है मिल चुका है। डॉट नेट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इस वर्ष 2020 में मैट्रिक में गए हैं, 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे मैट्रिक का, तो आप लोगों को कैसे चेक करना है, तो आप लोग को जो है 9th यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो मैं 9th का सेलेक्ट किया हूँ, 9th जो है आप लोग को सेलेक्ट करना है। पिछले साल का जो है यहाँ पर स्टेटस जो है आप लोग को देखना है कि पिछले साल का जो है ये सारा योजना का पैसा जो आपका अकाउंट में आया है या नहीं आया है। इतना जो है पेमेंट स्टेटस जो है आपके पास ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है ये सारा योजना का पैसा जो है छात्रवृत्ति, पोशाक, किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल का पैसा, जो भी योजना का पैसा जो आपको मिलने वाले होंगे यहाँ पर आपका पैसा जो है आ जाएंगे। तो आपको जो है इस प्रकार से जो है आप लोग को चेक करना है। आप 2020 में जो है यहाँ पर मैट्रिक में गए हैं, 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर आप लोग को 9th सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो है ये शो नहीं करेगा। जैसे आप 10th सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद शो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपके पास नो रिकॉर्ड फंड जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको जो है पिछले साल का जो यहाँ पर चेक करना है, 9th क्लास का जो है चेक करना है। जैसे आपका 9th क्लास का जो है मैं दिखाया हूँ उतना स्टेटस जो है पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। अभी आपको जो भी योजना का लाभ मिलने वाले होंगे पोशाक या छात्रवृत्ति योजना का, वे पैसा जो है फरवरी माह से
जो है सभी छात्र छात्राओं के अकाउंट में जो है आ जाएंगे। अगर आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है तो आप जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सुधार करवा लीजिए, अन्यथा जो है आपका जो है पैसा नहीं आएंगे। ये जो है ऑनलाइन सुधार नहीं होंगे, ये जो है आप लोग का स्कूल कॉलेज से ही यहाँ पर सुधार होंगे। वन से लेकर ट्वेल्थ क्लास के सभी छात्र छात्राओं को जो भी स्कूल कॉलेज में आपका नाम होंगे वहीं से जो है आप लोग का सुधार होंगे। आपको जो है ये प्रिंट निकाल कर लेकर अपना स्कूल में जाना होगा और बताना होगा, तभी जो है आप लोग का जो है ये सुधार होंगे, उसके बाद जो है आपका अकाउंट में जो है पैसा आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।